हाय दोस्तों, मैं हूं शिवम और स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑफिशियल प्रॉपर्टी कलाकार में। दोस्तों फिर से एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के साथ में आ चुके हैं वृंदावन के अंदर रुक्मणी विहार जैसे एरिया में, जो कि आप सबको पता है वृंदावन का सबसे पॉश लोकेशन या पॉश एरिया माना जाता है रुक्मणी विहार, जिसके अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2BHK की फुली फर्निश्ड प्रॉपर्टी, जो की बहुत ही डिमांडेबल है। सच में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की जो डिमांड आ रही है रुक्मणी विहार में और 2BHK 1BHK के आजकल नॉर्मल में बहुत ज्यादा हाई प्राइस हो चुके हैं, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2BHK का मेरे पास में फ्लैट है, जो कि मेरे पास में यहाँ पे एक दो ऑप्शन अवेलेबल है 2BHK के ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर, तो मेरे पास में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। जिनके पैरों में प्रॉब्लम है या चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें हमारी लिफ्ट नहीं है, तो ग्राउंड फ्लोर अगर आपको चलेगा तो ग्राउंड फ्लोर भी मिल जाएगा और सेकंड चाहिए तो सेकंड मिल जाएगा। प्राइस का दोनों में अंतर है, वो मैं वीडियो के आपको लास्ट में या बीच में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपनी लॉबी एरिया से। ये हमारा लॉबी एरिया है, ठीक है, इसमें हमने सोफा वगैरह डाल रखा है। और सोफा की बात करूं तो सच में बिल्कुल अनयूज है, क्योंकि जिन फैमिलियों का है, जो लोगों का ये फ्लैट है, वो सच में नहीं रहे, कभी कभी आए एक दो दिन के लिए रुके हैं। तो अभी हमने पेंट वेंट इसमें पूरा कंप्लीट कराया है, क्योंकि इसमें आपको पता है जब कोई नहीं रहता है तो बहुत सारा गंदगी वगैरह होता है। टेक्चर वगैरह हमने अपर साइड आप देख सकते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से हमने दोबारा एशियन की टीम इसमें लगाई थी, वो पूरा हमने काम दोबारा से इसमें कराया है। हर में आप देख सकते हैं पूरा पेंट वेंट सब कुछ चेंज आपको मिलेगा, पुरानी वीडियो में जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, ठीक है। फर्स्ट बेडरूम में हमने क्या है, एक्चुअली में गद्दे वगैरह ये सब कुछ डला हुआ है, इसमें बेडशीट वगैरह हमने हटा दिए, क्योंकि पेंट वगैरह का काम हुआ था तो उसमें वो खराब हो गई है, ठीक है। तो इसमें हम आपको सारी चीज करा के देंगे। आप देख सकते हैं पेंट कलर कॉम्बिनेशन, आप देखें अपर साइड देखें तो बहुत अच्छा हमने इसमें काम करा रखा है, और काम कोई हल्का नहीं है, पेंट भी अच्छी क्वालिटी का हमने लगा रखा है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम के बराबर से ये है हमारा वॉशरूम, ठीक है, जो कि कॉमन वॉशरूम है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कॉमन वॉशरूम है, इसमें हमारे दो वॉशरूम है, और एक तो हमारा बेडरूम से अटैच है और एक है ये बालकनी लॉबी एरिया से, जिससे कि गेस्ट वगैरह आप आते हैं तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये लॉबी एरिया है, लॉबी एरिया के जस्ट सामने आप सीधा अंदर आओगे तो ये आपको पड़ता है किचन पोर्शन, ठीक है, ये किचन पोर्शन है। और आप देख सकते हैं क्योंकि ये चिमनी वगैरह लगी हुई है, ये हमने सारा काम इसमें कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं एडजस्ट वगैरह सारी सुविधाएं हमने दे रखी हैं, और ग्राउंड फ्लोर का है, आपको पता चल रहा होगा सामने, आप देखिए ये हमारी बालकनी और सामने गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं। और हाँ, सबसे एक और बात, ये फुल्ली फर्निश्ड आपको मिल रही है और ये है MBDA से अप्रूव, ये भी आप टेंशन मत लेना कि भैया दिक्कत आएगी MBDA की नहीं है। ये हमारा सेकंड बेडरूम जो कि अटैच, इसमें बालकनी है, मैं आपको बालकनी बाहर से दिखाता हूँ, बालकनी बाहर से दिखाइए तो आपको पता चलेगा। और ऐसी सोसाइटी नहीं है इसमें, ऑलरेडी बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं। हाँ बिल्कुल नई सोसाइटी नहीं है, मैं पहले आपको बता रहा था, थोड़ी सी ओल्ड है, ठीक है, मतलब 2-3 साल पुराना कंस्ट्रक्शन हो रखा है, बट बिल्कुल न्यू नहीं है, ठीक है। ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम से अटैच ये सामने है आपका वॉशरूम, ठीक है, और ये ग्राउंड फ्लोर पे एक्चुअली में अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें हम आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, इसमें एक नहीं दो दो हमने इसमें क्या बोलते हैं दोनों कमरों में फैन लगा रखे हैं। और एक्चुअली में इसमें ग्राउंड फ्लोर वाले में एक ही LED है, सेकंड वाले में हमने दो LED दी है, उसमें 42 इंच की और 32 इंच की है, और इसमें एक दी है ग्राउंड फ्लोर वाले में। इसमें AC आप देख सकते हैं अभी तक पन्नी नहीं उतरी है, नई AC लगा रखी है हमने, ठीक है। और अपर साइड आप देखें तो पूरा काम कंप्लीट करा रखा अलमीरा, ये है हमारी, ठीक है, अलमीरा भी इसमें हमने लगा रखी है जो की। और अब हाँ, मैं एक और चीज पहले बता दूं, जो भी छोटा मोटा इसमें काम बचा हुआ है कहीं पे, मान लो कोई जैसे मैं एग्जाम्पल ले, मान लो ये नहीं लग रहा है, या कहीं पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, या फिर बट कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, वो हम आपको कंप्लीट करा के इसमें दे देंगे। थोड़ी बहुत अगर कहीं पे प्रॉब्लम, वैसे मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि है इस टाइप का फ्लैट, रेडी टू मूव है, आप कल आए कल से भी यहाँ पे रहना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें होली का ऑफर आपको देने वाला हूँ, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भैया हम आपके द्वारा प्रॉपर्टीज लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऑफर आप देते हो। पहले सबसे पहले मैं एक बार आपको सामान पूरा दिखा देता हूँ, इसके अंदर आप क्या क्या दे रहे हैं। इसके अंदर दो बेड हैं, ठीक है, दोनों बेडरूम में बेड पड़े हुए हैं, दोनों में आपको पिलो वगैरह सब कुछ बेडशीट वगैरह बिछा के हम कंप्लीट करा के देंगे, ठीक है। एक AC है जो कि बेडरूम में इस वाले में हमारी लगी हुई है, LG की AC है, ठीक है। एक LED TV है जो कि इस वाले बेडरूम में लगी हुई है। और हाँ, ये मैं पहले बता दूं, जो इसमें सामान लगा हुआ है यही सामान मिलेगा, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप बोलो कि भैया ये TV हमें सही नहीं लग रही है, चेंज कर दो, बिल्कुल यही सामान आपको मिलेगा। सामने हमारा डबल डोर का फ्रिज है सैमसंग का, जो कि बिल्कुल नया फ्रिज है, ये आपको मिलेगा। मॉड्यूलर किचन हमने करा रखी है, तो आपको किचन का भी काम नहीं कराना है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल रेडी टू मूव है,
कल आप आओगे, कल से अपना रहना स्टार्ट कर सकते हैं। एमबीडीए की सोसाइटी है तो आपको किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है। प्रेम मंदिर का अगर डिस्टेंस की बात करूं तो मात्र 700 मीटर का डिस्टेंस है प्रेम मंदिर का। वहां के बिहारी जी आपको जाना है तो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस्कॉन टेम्पल जाना है 1.5 किलोमीटर, सेम 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। प्रेमानंद महाराज जी के पास में जाना है, श्रीहित राधा के लिए जो आश्रम है वहां पे आप जा सकते हैं। मात्र यहां से लमसम हुई 1.5 किलोमीटर के लमसम होगा। अगर आपको जाना है चंद्रोदय मंदिर तो चंद्रोदय मंदिर पड़ेगा 700 से 500 मीटर, क्योंकि वो थोड़ा सा यहीं पे है। और अगर आपको जाना माता वैष्णो देवी के मंदिर, वो भी 500 से 700 मीटर डिस्टेंस है। और मतलब एक और हमारे तीन धाम के मंदिर बन रहे हैं, चार धाम के मंदिर बन रहे हैं, जो कि छठीकरा वाले चौराहे पे बन रहे हैं, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। जब आप दिल्ली से आओगे तो आपको दिखेंगे, तो वहां पे भी अगर आप यहां से जाओगे तो लमसम 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मतलब बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। रुक्मणी विहार आप गूगल पे भी सर्च करोगे, रुक्मणी विहार वृंदावन का सबसे पॉश है। रुक्मणी विहार हुआ, चैतन्य विहार हुआ, ये पॉश लोकेशन में आता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको पहले सब चीज क्लियर कर देता हूँ वीडियो में, थोड़ी ओल्ड सोसाइटी है, नई नहीं है, क्योंकि नई में हमारे पास में 2 BHK का कम से कम प्राइस है 80 लाख, ठीक है, और थोड़ा सा उससे डाउन जाओगे तो 60 लाख। बट इसमें मैं आपको जो प्राइस दे रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, इससे सस्ता फ्लैट आपको पूरे वृंदावन में मिलेगा नहीं। मैं गारंटेड लिख के दे दूंगा आपको, इससे सस्ता फ्लैट आपको नहीं मिलेगा। अब मैं होली के कुछ ऑफर देने वाला हूं सारे लोगों को, मैं पहले बता देता हूं। अगर आप, होली है हमारी 21-22 जो भी तारीख की पड़ रही है, 21 की या 22 की, ठीक है, और आज डेट है, मैं आपको बता देता हूं। और ऑफर मैं पहले बता देता हूं, बहुत सारे लोग वीडियो देख के आते हैं बाद में, 7 मार्च है, बोलते हैं भैया आप तो गोल्ड कॉइन दे रहे हो, आप तो ये दे रहे हो। मैं पहले बोल देता हूं, अगर आप इसको होली से पहले बुकिंग कराते हो, मतलब होली से पहले अगर आप बुकिंग कराते हो सकता है रजिस्ट्री भी आप करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बुकिंग एटलीस्ट 25% से आपकी होगी अगर आप कराते हैं। तो इसका हम आपको प्राइस देंगे 45 लाख रुपए, फुल्ली फर्निश्ड का प्राइस है। बट अगर आप होली से पहले इसकी बुकिंग कराते हैं तो आपको प्राइस पड़ेगा 40 लाख रुपए, मतलब सीधा सीधा 5 लाख का आपको डिस्काउंट हम दे रहे हैं। इसमें कोई गोल्ड कॉइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसमें कोई सामान का चेंज नहीं है कि आप इसको आप बोले कि ये चीज कुछ नहीं, हम छोटी मोटी चीज है, मान लीजिए ये नहीं लग रहा है, कुछ छोटी मोटी चीजें वो हम करा के देंगे, बाकी 40 लाख रुपए बिल्कुल फिक्स प्राइस है, इससे एक पैसा कम नहीं होगा, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। और होली के बाद इसका प्राइस होगा 45 लाख रुपए। अगर आप ये होली के बाद वीडियो देख रहे हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें शर्मिंदा ना करें आप आके कि भैया आपने तो 40 बोला था, 2-3 दिन ही तो लेट हुए हैं। भैया एक दिन हो या एक सेकेंड हो, जो ऑफर होता है वही ऑफर होता है, आप भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप वीडियो होली से पहले देख रहे हैं तो आप आके इसको बुक करा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लेना है सेकंड फ्लोर तो अगर आप होली से पहले उसको भी बुक करते हैं तो वो मैं आपको दूंगा, फिक्स प्राइस बता रहा हूं, 38 लाख रुपए में आपको मैं सेकंड फ्लोर दे दूंगा होली से पहले। मतलब आप देख सकते हैं उसमें भी मैंने आपको सीधा सीधा 2 लाख का डिस्काउंट दिया, जो कि 40 लाख हम मांगते हैं, इसका 45 मांगते हैं। और सच बता रहा हूं 37-38 लाख रुपए ऑलरेडी इसके लग चुके हैं, पर हमने नहीं दिया है क्योंकि ये 40 लाख रुपए की चीज है, 40 से कम नहीं मिलेगी, क्योंकि हम इसका पूरा फुल्ली फर्निश दे रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं। तो रिक्वेस्ट है सारे लोगों से आके शर्मिंदा ना करें कि भैया इसमें कम कर लीजिए, मैंने पहले ही 5 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट दे दिया, विश्वास नहीं है तो 10 दिन या 15 दिन मत लो, मैं ये बोल रहा हूं मत लो, और उसके बाद में 45 लाख से 1 रुपए कम नहीं होगा। क्यों, अब मैं आपको रीजन बता देता हूं, क्योंकि वृंदावन में कॉरिडोर का काम स्टार्ट हो चुका है, अगले महीने से काम स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद में अब आप जैसे ही देख रहे हो इतना डेवलप हो रहा है वृंदावन, इतनी कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, तो इसके हिसाब से जमीन भी महंगी हो रही है, तो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ना बिल्कुल मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जिनको इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए भी बहुत अच्छा फायदा है, हमारे द्वारा प्रॉपर्टीज को खरीदिए, 1-1.5 साल 2 साल में मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, 10-20 लाख का फायदा आपको ये प्रॉपर्टी करा के जाएगी अगर आपने 1-1.5 साल भी होल्ड कर ली तो। रिक्वेस्ट है सारे लोगों से 40 लाख में ग्राउंड फ्लोर, 38 लाख में सेकंड फ्लोर आपको दूंगा, और होली से पहले ऑफर है, होली के बाद में ये ऑफर खत्म हो जाएगा, 45 लाख और 40 लाख का दोनों मिलेंगे आपको। और अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, दोनों एक ही पार्टी लेना चाहती है तो आपके लिए एक अलग से स्पेशल ऑफर है, वो ऑन टेबल बता दिया जाएगा। तो रिक्वेस्ट है सारे लोगों से जल्दी से जल्दी विजिट करके ले सकते हैं, और जिसको ग्राउंड चाहिए ग्राउंड ले लीजिए, सेकंड चाहिए सेकंड ले लीजिए, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, नीचे अंडरग्राउंड मतलब पार्किंग वगैरह सारी सुविधाएं, रोड वगैरह। और हाँ, सोसाइटी का दोबारा से रिनोवेशन चल रहा है, तो आप जब आओगे तो आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि सोसाइटी के पीछे जो टावर बन रहा है, एक नया टावर बना रहा है, उसमें हम लमसम 60 लाख रुपए का 2 BHK का सेल कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं जब वो पीछे टावर बन जाएगा तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली इसका 60 लाख प्राइस हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि 1-1.5 साल में 15-20 लाख का फायदा इसलिए होगा क्योंकि पीछे प्राइस बढ़ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी
विजिट कर लीजिए, सच में अच्छी प्रॉपर्टी है, फायदे की प्रॉपर्टी है। मिस करोगे तो आप ही का नुकसान है, मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो 45 का बेचूंगा जब भी फायदा होगा, 50 का बेचूंगा जब भी फायदा होगा। प्रॉपर्टी दूसरे की है, खरीदने वाला दूसरा है, मैं तो आप लोगों का बस एक वो करा रहा हूँ कि जिससे कि आपको एक अच्छी डील मिल जाए। तो होली से पहले बुकिंग करा दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।